बीजेपी वालों का ख्याल है, बीजेपी नेता प्रिंस यादव है वही सब कहे कि तुम भीग दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है। इसी वजह से मैंने सियाही फेंक दिया, वो लोग कहे कि हम बचा लेंगे। घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के ऊपर रविवार को स्याही क्या फेंकी गई, सियासी बवाल मच गया। बता दें कि रविवार को दारा सिंह चौहान चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, इसी दौरान उन पर किसी ने स्याही फेंक दी और मौके से फरार हो गया, जहां सोमवार को वो आरोपी खुद ही थाने पहुंचा, उसने सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर चुनाव प्रचार के दौरान स्याही फेंकने वाले आरोपी अभिमन्यु यादव ने कोपागंज थाने में सरेंडर कर दिया और एक बड़ा आरोप भी मढ़ दिया। अभिमन्यु यादव का आरोप है कि दारा सिंह चौहान पर यह स्याही किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता प्रिंस यादव ने फेंकवाई थी। अब घोसी में लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच हो, इतना बड़ा स्याही कांड हो और अखिलेश यादव का तुरंत जवाब ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्याही कांड पर जैसे ही अभिमन्यु यादव का वीडियो सामने आया, तुरंत अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आ गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब घोसी में स्याही फेंकने वाले ने खुद ही बता दिया कि ये काम उससे भाजपाइयों ने ही करवाया है, तो फिर अब आगे और क्या कहना। अभी आगे देखिए, हार का डर भाजपा से क्या क्या ना कराए, घोसी की जनता सपा की साइकिल ही चुनेगी। तो साफ है कि घोसी उपचुनाव से पहले इस स्याही कांड ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है और अखिलेश यादव इस मामले पर बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। देखना होगा अभी आगे इस मामले में और क्या क्या होता है। मऊ से दुर्गा किनकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।